就是给出去。向刚才的 CPK 委员官，श्री मान अशोक राजू चौहान इनको नांदेड़ जमात इस्लामी हिंद की जानिब से एक ताईदी लेटर दिया जा रहा है कंडीशनल लेवल पर कुछ मुद्दों के आधार पर। और इसी के साथ जो पूरे महाराष्ट्र में जो दो लोकसभा मतदार संघ को छोड़कर बाकी पूरे महाराष्ट्र में भी कांग्रेस और एनसीपी और आघाड़ी के उम्मीदवारों को सपोर्ट किया जा रहा है उसका भी एक घोषणा। आम्ही हिंदने आमच्या पक्षाच्या दोन जागा सोडल्या प्रत्येक ठिकाणी कांग्रेस आणि राष्ट्रवादी पक्षांच्या या गठबंधनाला आमचा पूर्ण पाठिंबा आम्ही घोषित केलेला आहे। असं नाही आहे की जमात इस्लामी मध्ये समाजातले काही गट आहेत, संपूर्ण समाजाचं लक्ष जमात इस्लामी हिंदच्या ह्या येणाऱ्या ह्या जमात इस्लामी हिंद कोणाला पाठिंबा देते याच्याकडे लागलेलं असतं। गेल्या 8-10 दिवसापासून जमात इस्लामी हिंद कार्यालयाचे फोन खनखनत आहेत, जमात इस्लामी हिंद काय फैसला केला। आता आपल्याला माहित आहे सर, कोणत्याही पक्षाशी आणि कोणत्याही एखाद्याशी काही मतभेद असू शकतात, पण ज्या ठिकाणी देशाचं कल्याण किंवा देशाच्या बाबतीत किंवा संविधानाच्या बाबतीत किंवा समाजातील विविध घटकांच्या बाबतीत जेव्हा बाद येते किंवा एखादी गोष्ट समोर येते त्यावेळी जमात इस्लामी हिंद सर्व मतभेद विसरून देशासाठी कार्य करणारी एक संघटना आहे, समाजासाठी कार्य करणारी एक संघटना आहे, समाजातल्या सर्व घटकांना सोबत घेऊन चालणारी एक संघटना आहे। आज आपण पाहत आहोत सर, देशामध्ये काय जेवढ्या स्वायत्त संस्था आहेत त्या सर्व स्वायत्त संस्थांमध्ये न्यायव्यवस्था असेल, ती RBI असेल किंवा ते पोलीस विभाग असेल किंवा आणखी सर्व संस्था ज्या स्वायत्त आहेत जे लोकशाहीचं एक लाईफ लाईन असतं त्या संस्थावर सुद्धा ह्या लोकांनी ताबा घेऊन ह्या संस्थांना विस्तृत करण्याचं काम केलेलं आहे। ह्या संस्था जर उद्ध्वस्त झाल्या तर देश उद्ध्वस्त झाल्याशिवाय राहणार नाही। म्हणून सर आमचा पाठिंबा आपल्याला आहे। आम्ही समाजामध्ये नांदेड जिल्ह्यामध्ये पूर्ण नांदेड जिल्ह्यात नाही महाराष्ट्रामध्ये आम्ही पूर्ण हा संदेश पाठवला आहे। आज एक समोपचार पूर्ण या ठिकाणी आपल्याला बोलवण्यात आलं, पण हा संदेश आपल्या माध्यमातून आमच्या देश आमच्या राज्य पातळीवरच्या नेत्यांच्या माध्यमातून लोकांपर्यंत आहे सर। आम्ही प्रत्येक चांगल्या कामामध्ये सर्वांचं सहकार्य करत असतो। आता अत्याचार चरमसीमेवर पोहोचलेला आहे, सरांना जायचं आहे, राहुल गांधी साहेबांचं सुद्धा आज या ठिकाणी भाषण आहे, सर्वांना आपण ऐकतो। पण सर या ठिकाणी आरक्षणाचा मुद्दा मुस्लिम समाजाच्या बाबतीत म्हणतो, शिक्षणामध्ये किंवा नोकऱ्यांमध्ये कोणत्याही देशामध्ये मागासलेल्या लोकांना वर उचलण्याचं काम करण्यात येतं आणि हीच बाब आमच्या देशामध्ये थोडस मागे आहे, त्याच्याकडे लक्ष देण्याचा सरांनी थोडस आमची एक विनंती आहे। तसंच अलीगढ युनिव्हर्सिटीचा जो अल्पसंख्याक दर्जा आहे तो आता सध्या लोकांनी काढून घेण्याचा प्रयत्न सुरू केला आहे, त्याच अलीगढ युनिव्हर्सिटीची नांदेडमध्ये एखादी शाखा असली त्याच्यासाठी सरांनी जर प्रयत्न केला तर ते आमच्यासाठी चांगलंच होणार आहे, त्या या इथल्या परिसरातल्या लोकांना शिक्षणाचा दर्जा उंचावण्यासाठी चांगलंच होणार आहे। सर आणखीन एक नांदेडच्या परिसरातली ही बात आहे, आज तरी आपल्या सर्वांच्या प्रयत्नाने आपल्या पिताजींच्या प्रयत्नाने नांदेड जिल्ह्याला पाण्याची अत्यंत चांगली व्यवस्था आहे, पण भविष्यामध्ये ही कमी पडण्याची शक्यता आहे, त्याच्याकडे सरांनी लक्ष द्यावं। आणि जिथं काही अल्पसंख्यक आहेत, दलित आहेत, पद्दलित आहेत, आदिवासी आहेत, त्यांची सुरक्षा, महिलांची सुरक्षा, मुलींची सुरक्षा, शिक्षणाचं जे भागीकरण होत आहे त्याच्यामध्ये त्याच्यामध्ये जर आपण लक्ष घालून निस्पृह पद्धतीने जर हे काम करण्याचा प्रयत्न केला तर पूर्ण जनता सर आपल्या पाठीशी आहे। तुमची लढाई नाही तर आमची लढाई आहे, आमचा प्रत्येक माणूस आज तुमचा कार्यकर्ता म्हणून कार्य करणार आहे। आम्ही काही अटीवर किंवा आमचं एक मेनिफेस्टो आहे, आमचा एक जनघोषणा पत्र आहे, ते सर आम्ही आपल्याला देणार आहोत, त्या जनघोषणेच्या अधीन राहून आमचा पूर्ण पाठवा महाराष्ट्र पातळीवर औरंगाबाद जर अकोला सोडला तर आपल्या सोबत आहे, नांदेडमध्ये तर आहेच आहे पण पूर्ण महाराष्ट्रामध्ये आपल्या सोबत हा आपल्याला जास्त वेळ नाही बोलायला, भरपूर वेळ आहे, आपण स्थानिकच आहात, आम्ही वेळोवेळी आपल्याला भेटू, सांगायची गरज नाही, आपण हे सहन करत आहोत। जमात इस्लामी ही एक सामाजिक आणि राजकीय सामाजिक आणि नैतिक संस्था आहे, सामाजिक आणि धार्मिक संस्था आहे, लोकांना एका ईश्वराकडे बोलावण्याचं काम, त्यांना एका ईश्वराकडे आमंत्रित करण्याचं काम, लोकांना सद्भावनेकडे, सहानुभूतीकडे, सौहार्दाकडे, भाईचाराकडे, समानतेकडे बोलवण्याचं काम जमात इस्लामी हिंद गेल्या 70 वर्षापासून करत आहे। मित्रांनो ही लढाई आज अशोकराव चव्हाण साहेबांची नाही, आमची लढाई झाली आहे सर। आम्हाला देशाला वाचवायचंय,
आमची संघटना एक शुद्ध नागरिकांची संघटना आहे. आम्हाला संविधानाला वाचवायचंय. आमचं संविधान वाचलं नाही, देशाची सार्वभौमता वाचली नाही, देशाची म्हणजे देश बर्बाद झाला तर आम्ही स्वतः बर्बाद होणार आहोत. एक अशा नाकर्त्या माणसाच्या या नाकर्त्या लोकांच्या हातामध्ये जर पुन्हा फॅसिस्टवादी शक्तींच्या हातामध्ये पुन्हा देश गेला, पुढच्या 5 वर्षात काय होईल याची कल्पना आमच्या नेत्यांना आहे, आम्हाला आहे, देशातल्या किंवा समाजातल्या किंवा नांदेडमधल्या सर्व जनतेला आहे. सर, त्या अनुषंगाने आम्हाला तुम्हाला जमात इस्लामी हिंद नांदेड जिले से आज यहाँ पर एक मीटिंग यहाँ पर जो हुई है, उस मीटिंग में मौजूद जिला अध्यक्ष आपके मोहम्मद हामिद हुसैन, फिरोज खान जी, मजीद खान जी, फहीम सिद्दीकी जी, अफरोज पटेल जी, सलाम चावलवाला और सभी बैठे हुए इस संगठन से जुड़े हुए सभी साथियों, मीडिया के सभी प्रतिनिधि और भाइयों, बहनों और दोस्तों, सबसे पहले मैं जमात इस्लामी हिंद जो एक सामाजिक संगठन है, उस संगठन को आपको बहुत बहुत तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे पाठिंबा देने का, मेरी तारीफ करने का फैसला आपने यहाँ पर सही वक्त पे किया. आपकी संगठन एक सेक्युलर संगठन है. आप कॉन्स्टिट्यूशन में देश के संविधान पे विश्वास रखते हैं और संविधान के तहत ही आप काम करना चाहते और काम करते हो. ये बहुत बड़ी बात है, इसको अहमियत देनी चाहिए. तो आजकल संगठन कई हैं, गवर्नमेंट भी आजकल जो रवैया है इस मौजूदा गवर्नमेंट का, ये संविधान छोड़कर ही बाकी सभी चीज़ें चल रही हैं. यहाँ तक कि संविधान को तोड़कर, संविधान के खिलाफ जाकर आरएसएस का एजेंडा आज देश को लागू करने के लिए छुपे प्रयास इनके शुरू है, तो देश के लिए बहुत खतरनाक साबित हुए हैं. आपने जो सही फरमाया, देश की कॉन्स्टिट्यूशन को भी जलाया जाता है. भाजपा के 5 साल के इस रिजीम में अगर आपको, आपने सही अगर बातों को समझा तो आपने देखा होगा कि कॉन्स्टिट्यूशन को भी जलाया जाता है. महात्मा गांधी जी के स्टैचू के ऊपर गोलियां चलाई जाती हैं. क्या हमारे मुल्क ने कभी ये महसूस किया है, जिस व्यक्ति को राष्ट्रपिता के नाम से हम संबोधित करते हैं, जिनके बारे में हमारे दिल में एक सर्वोच्च स्थान है, जिन्होंने देश की आज़ादी के जंग में अहम भूमिका जिसकी की, उस महात्मा गांधी की आज स्टैचू के ऊपर, पुतले के ऊपर गोलियां चलाने तक नौबत जिन्होंने की है, उनको बढ़ावा देने का काम कौन करता है, आप समझ सकते हैं. हमारे माइनॉरिटीज डरे हुए हैं, देश के छोटे छोटे समाज के लोग हैं, खौफ में जी रहे हैं, डर के जी रहे हैं. मॉब लिंचिंग चल रहा है, लोगों को मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है. एक तरफ ये मामला है, सरकार तय करती है आपने क्या खाना चाहिए, आपने क्या पहनना चाहिए, आपने क्या बोलना चाहिए. मीडिया की पाबंदी है, रिपोर्टर्स पर पाबंदी है, हमारे विचारवंत है, ज्येष्ठ लेखक है, कवि है, इनके ऊपर पाबंदी है. देश के सर्वोच्च संस्थाएं जो है, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे वो CBI हो, चाहे वो इनकम टैक्स हो, इनका इस्तेमाल करने का प्रयास भी आपने देखा जिस देश में कितनी जगह हुआ. तो मैं ये कह रहा हूँ, देश के सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस देकर इस बात को बयान किया है. देश के हालात बहुत गंभीर होते जा रहे हैं और हमने अगर इसका डट के होगा तो ऐसा है, लड़ाई करनी पड़ेगी. वैचारिक लड़ाई है, इस वैचारिक लड़ाई में हर वो व्यक्ति आना चाहिए जिसको देश को बचाना है. देश की एक ताकत जो बनी हुई है, पूरे विश्व भर में भारतवर्ष को एक अलग नजरिया से देखा जाता है, एक सेक्युलर कंट्री के नाम से देखा जाता है, एक कंट्री जो सबको साथ में लेकर चलने वाली भूमिका ये बताया जाता है. पिछले 5 सालों में जो भी हालात हुए हैं, वो उन हालातों से लगता है कि देश एक गलत दिशा पर ले जाने का प्रयास भाजपा और RSS ने खास करके शुरू किया है. शिवसेना राजनीतिक फायदा उठाकर अपनी फायदा करने के पीछे लगी हुई है. इन ताकतों को रोकना है. पार्लियामेंट में जब तक सबका जवाब एक ही है, जब तक सरकार नहीं बदलती है, हमारे जो इरादे वो कामयाब कभी नहीं हो सकते. सरकार बदलने की जरूरत है. सरकार तभी बदल सकती है जब आवाम, जब लोग इसमें शामिल होकर
आज हमारे सेक्युलर ट्रेडिशंस हुए, अपने सेक्युलरिज्म पर हम ध्यान दें, देश की कॉन्स्टिट्यूशन पे हम लोग ध्यान दें। हमारा जो आपने पीपल्स मैनिफेस्टो दिया है, हर एक के लिए गवर्नमेंट की क्या जिम्मेदारी है, हमारी क्या जरूरतें हैं, इंस्टीट्यूशंस की हालात क्या है, जस्टिस की क्या हालात है, एग्रीकल्चर के रिक्वायरमेंट, रोजगार की चीज़ें हैं, टैक्सेशन, एट्रोसिटीज ऑन रिलीजियस कम्युनिटीज, रिलीजियस कल्चर, राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज, पुलिस रिफॉर्म, सच्चर कमीशन फॉर फॉलोअप। आपने आपके इस मैनिफेस्टो में जो मैंने देखा, बहुत मेहनत करके ये मैनिफेस्टो आपने जारी किया है, मेरे तरफ से प्रयास रहेगा, हम पढ़ेंगे जो स्पीकर हमारी तरफ से इस मैनिफेस्टो को कांग्रेस की ओर से जितना भी मुनासिब है, जितना भी करना पॉसिबल है, हम करने का पूरा प्रयास करेंगे। जितना मैं यहाँ पर कहना चाहूँगा, ये देश का मामला है, सिर्फ नाते तक सीमित नहीं है, वो देश का मामला है। इसीलिए मैं जमात इस्लाम हिंद का आभारी हूँ। वक्त के कमी के कारण आज आप जानते हैं कि काफ़ी प्रोग्राम है, शाम को 6 बजे तक राहुल गांधी जी हमारे पास नए मुंडे में आएंगे। आपको मैं दावत देता हूँ कि आप इसमें शरीक हो जाएंगे। आपकी ताकत बताना है, हम आपकी ताकत, राहुल गांधी जो आ रहे हैं, हमारे सब इरादों को पूरा करने के लिए प्रयास, एक नेतृत्व हमारा है कांग्रेस पार्टी का, जो हम चाहते हैं आप आए, आप भी शामिल हो जाए हमारे इस मूवमेंट में। ये मूवमेंट आपके अकेले के नहीं है, हम इस मूवमेंट में आपके साथ हैं। ये विश्वास दिलाने के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ। मैं हमारे सभी पदाधिकारी जो है आपके, उनका शुक्रगुजार हूँ। हमारे सलाम चावल वाला खास करके जो ये मीटिंग ऑर्गेनाइज करने में बहुत अहम भूमिका निभाई, उनका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। मीडिया के लोग आए हैं, उनसे भी विनती करता हूँ ये भी सही ढंग से पेश करें, ताकि लोगों तक सही बात चले जाए कि भाई क्या होता है करके। ये भी आज मुंबई की मीडिया है, टाइम्स ग्रुप का मीडिया, उसे खास कहना पड़ता है, उनकी प्रॉब्लम नहीं है। तो ये मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सही पर्सपेक्टिव में ये बातें चली जाए, और जमात इस्लाम हिंद देश में काम करते आई है, करती रहेगी, ऐसे मैं उम्मीद करता हूँ। और मेरी पूरी ताकत नांदेड़, मैं भी आपके पीछे ही रहता हूँ, क्योंकि लंबी बात तो है नहीं, जब भी आपने पुकारा हम चले आएंगे, और आपकी इस मूवमेंट में हमारा पूरा सहयोग रहेगा। इतना ही मैं कहता हूँ, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। हमारे यहाँ मुख्तलिफ कंपनियों के इलेक्ट्रॉनिक्स और प्लास्टिक के तमाम सामान और फर्नीचर दस्तियाब है। एक मरतबा तशरीफ लाकर खिदमत का मौका दे। प्रोपराइटर हाफिज मदरुल्ला बेग, अदर बेग, अलबरकत, होम अप्लायंसेस, फर्नीचर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, टायर बोर्ड दिगलू नाका नांदेड़। नानेवर न्यूज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को क्लिक करें। बेल आइकन को क्लिक करने से होगा ये कि आपको लेटेस्ट न्यूज अपडेट की नोटिफिकेशन मिलती रहे।